अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक 59 सिंगुलर एंड प्लूरल। और इस टॉपिक में मैंने जो लिखे हुए हैं वाहिद और जमा, वो बाकी से हटकर है किस तरह, यानी कि ये तो बहुत एक्सेप्शनल है। इंग्लिश में चाइल्ड और चिल्ड्रन जो बनाया गया है, ये तो बहुत ही नायाब और रेयर हैं, जिनका आखिर पर क्या इजाफा किया गया, आर ई एन का इजाफा करके उसकी जमा बनाई गई। और इनको अगर हम देखें, चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे, और फुट को देखें, इसको उर्दू में पांव कहा जाता है, और इसकी जमा बनाने के लिए फीट। अंदर क्या किया गया, वावल की तब्दीली की गई। किस तरह, डबल ओ वावल थे और इसकी जगह पर उन्होंने डबल ई वावल लगाए। ये ऐसे सिंगुलर प्लूरल हैं जिनकी प्लूरल बनाने में क्या होता है, अंदर उनके वावल की तब्दीली की जाती है। और गूस, राजहंस जो बत्तख से मिलता जुलता परिंदा है, और इसकी जमा है गीस। और टूथ को देखें, यानी एक दांत, और इसकी जमा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, डबल ओ को निकाल कर डबल ई, यानी दो वॉवल्स को निकाल कर दो वॉवल उनकी जगह पर लगा दिए। टूथ, टीथ। और वुमेन को देखें, और जिसका मानी औरत है, और इसकी जमा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक यानी वॉवल को हटाकर उन्होंने क्या किया, ई लगा दिया। और इसको बेहतर प्रोनंसिएशन ये है कि हम वुमेन ना कहें बल्कि कहें विमेन। इसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन और बेहतर प्रोनंसिएशन ये है कि हम कहें विमेन। थैंक यू वेरी मच।